सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले कि हम अपने स्मार्टफोन से एक बढ़िया सा प्रोफेशनल इंट्रो कैसे बनाए। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, मैं आपको बताऊं कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने फ़ोन से एक बढ़िया सा इंट्रो कैसे बना सकते हैं। टाइम वेस्ट ना करते, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में VN एप्लीकेशन जो है आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से आगे से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप ओपन करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। आपको नीचे ब्लू कलर का जो प्लस वाला आइकन है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपको फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ से कोई भी एक ब्लैक फोटो चूज कर लेना है। फिर आपको यहाँ से कर देना नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करोगे, अब फोटो आपको यहाँ शो करेगा। इतना करने के बाद आपको लास्ट में जाना है और आपको यहाँ से जो इनपुट टाइटल है आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। जैसे आप डिलीट करोगे, जो अब हमारी फोटो की टाइमिंग है देख सकते हैं, वो 3 सेकंड की बची है। तो 3 सेकंड का इंट्रो काफ़ी है। इतना करने के बाद आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ अपने चैनल का नाम लिख देना है, जैसे मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का ऑफिशियल थिंकू टेक। आपको यहाँ सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है फिर एडिट वाले ऑप्शन पर। एडिट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना कलर वाले पे। कलर वाले के जाने के बाद आपको जो इसका शेडो है वो आपको थोड़ा सा क्या करना है, आपको यहाँ से थोड़ा सा येलो कर देना, थोड़ा सा येलो आपको यहाँ से कम कर देना, थोड़ा सा येलो। येलो करने के बाद आपको यहाँ से फिर जाना, आपको इसका फॉन्ट है, आपको यहाँ से एक फॉन्ट चूज कर लेना है, जैसे कि मैंने अलग कर लिया है। आपको यहाँ से सही वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद अब आपको इसे थोड़ा मोशन देना है, तो आपको मोशन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। फिर आपको इस समय लास्ट वाला है प्रिटेंड का, आपको इस पर क्लिक करना है 2 बार, तो इस तरह का कुछ हो जाएगा। आपको यहाँ सही वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो अब देख सकते हैं आपको काफी अच्छा सा लग रहा है इस तरह से। इतना करने के बाद आपको इसमें लगाना है म्यूजिक। मैंने म्यूजिक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। माई म्यूजिक में जाना है, फिर आपको म्यूजिक लाइब्रेरी और आपको सामने यहाँ इंट्रो लिखा हुआ आएगा, जैसे कि यहाँ से मैं इंट्रो यूज कर लेना है। यूज करने के बाद आपको यहाँ सही वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देख सकते हैं जो हमारा म्यूजिक है वो भी इसमें लग चुका है। इतना करने के बाद आपको नीचे गैलरी वाले ऑप्शन पर शो करेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और आपको वीडियो वाले ऑप्शन में चले जाना है। वीडियो वाले ऑप्शन में जाना, आपको एक नेचर का जो फोटो है इस तरह का, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको फुल डिस्प्ले पे से कर लेना है इस तरह से। सो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपकी जो इसकी जो ओपेसिटी है आपको इसे थोड़ा सा कम करना है, बहुत आपको बहुत डाउन से कर देना है। इतना आपको कर देना है, फिर आपको सही वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। तो अब इस तरह से कुछ हो गया है। सो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको एक बार और गैलरी पर जाना है, फिर आपको वीडियो एंड फोटो पे, फिर आपको एक वीडियो यहाँ से चूज करो। मैंने इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। ये वाली वीडियो आपको यहाँ से चॉइस कर लेना है। जैसे आप इसे चूज करोगे तो ये अभी काफ़ी छोटी है, इसका टाइप जो इसका साइज है वो काफ़ी छोटा है। अभी इसका जो हम साइज है काफ़ी इंक्रीज कर देते हैं। और दोस्तों, अभी देख रहा होगा आपको ये पूरा ब्लैक दिख रहा है, तो ब्लैक को हटाने के लिए आपको जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे। ये आपको सब में लास्ट में ये देखें, आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन जाना है और आपको स्क्रीन वाला ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ सही वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं जो हमारा ब्लैक वो हट चुका है। अब मैं आपको इसे स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं ये हमारे जो चैनल का नाम से है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें जो इसका साइज है बिल्कुल इसकी तरह अपना कर लेना है। आपको यहाँ से थोड़ा बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद आपको ये यहाँ इसको लगा देना है। दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों, अभी काफ़ी पीछे जा रहा है, तो इस पर क्लिक करना है, यहाँ कर देना। अब देख सकते हैं दोस्तों, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारे चैनल का नाम है, अब काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है। इतना करने के बाद आपको करना है, आपको जो ऊपर सेव करने वाला जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो ये है। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो उसकी क्वालिटी है वो 1040 होनी चाहिए। आपको यहाँ FPS जो है आपको 50 करना है और जो ये MBPS है आपको इसे 50 कर लेना है यहाँ से। तो जो हमारी वीडियो डाउनलोड होगी वो काफ़ी हाई क्वालिटी में होगी। फिर आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा इंट्रो है वो बनकर तैयार हो चुका है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।